आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार में होने जा रही 2 सीटों के उपचुनाव से पहले शनिवार को अपनी ही पार्टी और परिवार को करारा झटका दिया। आरजेडी में होते हुए तेज प्रताप यादव ने कुशेश्वर स्थान सीट से खड़े कांग्रेस उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया है। तेज प्रताप यादव का नवगठित संगठन छात्र जनशक्ति परिषद की तरफ से जारी एक पत्र में साफ साफ लिखा है कि आरजेडी विधायक आगामी उपचुनाव में एक सीट पर आरजेडी उम्मीदवार की जगह कांग्रेस उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे। यानी एक तरफ तेजस्वी यादव दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी मंच सजा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव हैं जो कांग्रेस उम्मीदवार को जीत की माला पहनाने की तैयारी में जुटे हैं। तेज प्रताप के इस फैसले पर आरजेडी के अंदर खाने नाराजगी है, लेकिन कोई भी नेता इस मामले पर कुछ कहना नहीं चाह रहा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कोई भी टिप्पणी देने से बचते हुए बस इतना कहा कि पार्टी के लिए ये सब कोई मुद्दा नहीं है, पार्टी का पूरा फोकस अभी उपचुनाव पर है। वहीं प्रदेश में आरजेडी के सहयोगी और फिलहाल उपचुनाव में प्रतिद्वंदी कांग्रेस ने तेज प्रताप के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यहां तक कि तेजस्वी को भी कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने की सलाह दे डाली। तेज प्रताप यादव जी ने कांग्रेस के एक उम्मीदवार का समर्थन किया है। बेहतर होता कि तेजस्वी यादव जी भी कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करते और कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते। और जो अंदरूनी विवाद बताया जा रहा है राजद का, तो देखिए इसका समाधान राजद को खोजना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसका समाधान राजद के नेता बैठ के खोजें, ये उनके लिए जरूरी है। और हम चाहेंगे कि राजद के लोग कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर कांग्रेस का साथ दें और धर्मनिरपेक्ष सोच को मजबूती प्रदान करें। वहीं विरोधियों को हमेशा की तरह एक ही तीर से पार्टी और परिवार दोनों को निशाना बनाने का मौका मिल गया। तेज प्रताप के इस फैसले को जहां बीजेपी ने फिक्स मैच करार दिया, वहीं जनता दल यूनाइटेड ने तेजस्वी यादव से तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि अगर तेज प्रताप यादव की जगह आरजेडी के किसी अन्य विधायक ने ऐसा किया होता तो भी तेजस्वी क्या चुप्पी साधे रहते या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते। प्रताप जी कांग्रेस को समर्थन दे या समर्थन नहीं दे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जब राष्ट्रीय जनता दल से ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये दोनों का मैच फिक्स है कांग्रेस और राजद का, कि एक वोट वो काटेंगे, एक वोट ये काटेंगे, एक वोट लोजपा काटेगी। तो ये मैच ही जब फिक्स है और ये नौटंकी कर रहे हैं, कभी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी ये हिस्सा मांगते हैं, कभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो ये सब आपस की नौटंकी है। पब्लिक सब जानती है कि ये सब नौटंकी वाले लोग हैं। पब्लिक विकास करने वाले को पसंद करती है, विकास के राह पर चलने वाली बिहार की जनता है। ये जात पात से ऊपर उठ चुकी है। जो विकास करेगा, जो बिहार में कानून व्यवस्था लागू करेगा, जो बिहार में डेवलपमेंट का नींव रखेगा, उसके साथ जनता है और जनता बिहार में एनडीए के साथ है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा में स्तर दर स्तर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को अन्य लोगों के माध्यम से राजनीतिक हैसियत का अंदाजा करवाया, तो उधर तेज प्रताप यादव ने कुशेश्वर स्थान सीट पर राजद प्रत्याशी के खिलाफ और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अपनी चिट्ठी जारी कर दी। अब राजद के लोग और तेजस्वी यादव जी स्पष्ट करें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए तेज प्रताप यादव पर कब कार्रवाई होगी। यह काम किसी अन्य विधायक ने या साधारण कार्यकर्ता या नेता ने किया होता तो उस पर कार्रवाई होती कि नहीं होती। हमें नहीं लगता है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि यह पारिवारिक पार्टी है, परिवार इसके लिए सर्वोपरि है। खैर, बिहार की जनता देख समझ रही है कि जो लोग अपने परिवार अपनी पार्टी के अंदर समन्वय स्थापित नहीं कर सकते हैं, वो भला बिहार की जनता के बारे में क्या सोचेंगे। इनके सभी उम्मीदवारों की हार बड़े मार्जिन से होगी। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच लगातार तनाव की स्थिति गहराती जा रही है। हर कुछ दिनों पर तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं। बीच में राबड़ी देवी के पटना आगमन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों भाइयों के बीच जारी जंग थमेगी, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि एक ही पार्टी और एक ही परिवार का हिस्सा होते हुए दोनों भाई चुनावी मैदान में आमने सामने एक दूसरे को ललकारते नजर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।